ये तूने अपने गोल पोस्ट पे डबा रहा है। मेरा गोल पोस्ट है, एक थप्पड़ नीचे मारूंगी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज सुबह सुबह उठ करके हम पी रहे हैं सूप। सूप मेरा पीछे रखा है, ये रहा मेरा सूप। पी रहा हूँ सूप क्योंकि मेरा गला बैठ गया है और अभी बस जस्ट मेरी क्लास चलने वाली है 11 या 12 बजे से। टाइमिंग जब भी आ जाए ग्रुप में तो पहले वो करेंगे क्लास, फिर आगे कुछ भी व्लॉग बनाएंगे। आज पीपीटी तो गाइस अभी हो रहा है 2:30 और काम होने वाला है। मेरी पीपीटी आज प्रेजेंट नहीं हुई है क्योंकि कोई और प्रेजेंट कर लिया, मैं प्रेजेंट ही नहीं कर पाई। तो मेरी पीपीटी में थोड़ा सा काम भी है तो मेरे को जाना है दीदी क्या। मैं जा रही हूँ उधर, अभी तैयार होने जा रही हूँ मैं। तो पहले तैयार हो लेते हैं, मुँह पे थोड़ा पॉलिश कर लेते हैं ये जो सड़ा सा मुँह है, और जैकेट वो वाले कपड़े चेंज कर दिया क्योंकि अच्छे ही नहीं लग रहे थे। क्योंकि मैंने पहनी हुई थी जैकेट पर उसमें हुडी नहीं थी तो मेरा हुडी की अब ठंडी लगेगी क्योंकि बनारस में ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो मैं चेंज करके ये जैकेट ये स्वेटर अब चलते उसके घर, जल्दी लेट हो रहा है, निकलना होगा। बैग लिया आज थोड़ा काम है, ये रही स्कूटी, इसको निकालनी पड़ेगी क्योंकि निकली नहीं। स्कूटी फंस गई, जा ही मत करो, निकालो। क्या कर दी? फंस गई है गाड़ी, एकदम सीधे खड़ी हो गई है। छोड़ दो उसको, देखो छोड़ चुके हैं। अब दिखा भी रहे थे कि स्कूटी फंस गई है, टायर को मत किया है, बीच में खड़ी हो गई है। वाह, हैवी ड्राइवर हुए। बोल भैया, कर रहे कहीं की फायदा है, आके स्कूटी निकाल दिया। चलिए चलते हैं। तो मैं आ तो गई हूँ इसके घर, पर इतनी स्लीपरी आज की रोड है भाई साहब। पता है क्या हुआ है, ऐसे पिछलाते हुए आ रहे थे, अब स्कूटी चलाते हुए कैसी लग रही है वो। मैं जब आ रही थी ना तो रोड में इतनी ज्यादा पानी गिरी, मतलब पानी गिरी रही हुई थी, बारिश हुई थी और बनारस में इतने ज्यादा खड्डे हो गए हैं और उसको खोद दिया गया है, काम चल रहा है। तो इतनी ज्यादा वो स्लिपरी हो गई है पूरी रोड, लिटरली ऐसे 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 स्कूटी चल रही थी, ऊपर से बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अलग ही दुनिया में। और स्कूटी ले लो तो ऐसा लगता है जैसे कि अब तो गिरे तब तो गिरे, स्कूटी के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे डागे डैश हो तो आप चला ही नहीं सकते हो उसको, कि आप सोचो कि आप ऐसे ऐसे डागे डैश करते हुए आप फट से गिरोगे। और आते आते तो मैंने एक को देख भी लिया है कि उसी रास्ते में गिरा हुआ था वो। कूड़ा मटर बना रही है, ये रहा हमारा चाय और ये रहा पोहा और ये रहा बनाने वाली। कितनी वाहियात लग रही है, रहने दो रहने दो, मत करो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। तो अभी हम दोनों जा रहे बाहर, कुछ काम है वो काम करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा काम है वो करेंगे, फिर थोड़ा कहीं इधर उधर जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा व्यू दिखाएंगे। साइकिल चलाओ, आती है चला दे, चला के दिखाओ। इतना शर्मा क्या रही हो, छोटे गिरना मत बस। यहाँ पे हम आए एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे हम खेल रहे हैं टेबल सॉकर, और मेरी वाली जो साइड है वो येलो है और निधि की जो साइड है वो वाइट है, और ये इतनी तेजी से मार रही है कि मेरे को करने नहीं दे रही है गोल। मैं परेशान हो जा रही हूँ और एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और एक हाथ से मैं खेल रही हूँ, इसलिए कैमरा बहुत
इसलिए ये कैमरा इतना ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी बॉल कहाँ जा रही है और मैं कहाँ जा रही हूँ। यार समझ में नहीं आ रहा कैसे रिकॉर्ड करूँ। ये तूने अपने गोल पोस्ट पे डबा रहा है। मेरा गोल पोस्ट है, एक थप्पड़ नीचे मारूंगी। यहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा खेलने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया है और फिर मैं खेलने चली गई तो मैं निधि के साथ कंपटीशन कर रही थी और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे को। ये देखिए हम दोनों साइड से हिला रहे हैं उसको क्योंकि हमको खेले नहीं आता था प्रॉपरली, मेरे को पता ही नहीं था कि खेला कैसे जाता है तो हम बस उसको रोल किए जा रहे थे और बॉल बार बार बीच में फंस जा रही थी। वो पता नहीं कैसा था कि दोनों साइड से नहीं लग रहा था तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बट ये देखिए निधि को कैसे हिला रही है भाई, ये मतलब कि ये इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है खेलते हुए ना कि मेरे को अगर ये हार जाती तो मेरे को पटक करके पीट देती एक ही बार में। कोई सोचती भी नहीं कि अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम रेस्टोरेंट में आए हैं, आज ही बार करके मेरी बुर्जी बना देती। ये देखिए कैसे अपने बाल लहरा रही है और फाइनली मैंने गोल कर दिया ये। तो यहाँ पे भैया से मैंने बोला कि भैया प्लीज़ रिकॉर्ड कर दो क्योंकि नीचे से आ ही नहीं रहा था, गेम का कुछ आ ही नहीं रहा था, बस हमारी शक्लें दिख रही थी कि हम कर क्या रहे हैं। पर यहाँ पर भी हम दोनों इतने अग्रेसिव होकर के खेल रहे हैं कि इतना ज़्यादा हम इन्वॉल्व हैं कि भैया को देख ही नहीं रहे थे, हम बस अपना खेले जा रहे और गेम में इतना मज़ा आ रहा था। मतलब कि हम फर्स्ट टाइम खेल रहे, नहीं मैं तो सेकेंड टाइम खेली हूँ, निधि फर्स्ट टाइम खेली है तो हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि कैसे खेलना। और मैं भैया को इसलिए रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया क्योंकि वो अच्छे से रिकॉर्ड कर पाते कि हम कैसे खेल रहे हैं, और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ताकि कॉपी yes! ये सब हमारे स्टफ है जो हमने उतार के रख दिया है, ये हमारी कॉफी और ये जिस पे हम खेल रहे थे अभी। अपना लास्ट बैच, कुछ भी मत बोला करो, हमारे गोल पोस्ट तुमने खुद को गोल किया है, ठीक है डालो। अरे बाबा हाफ आ वैसे तुम ऐसे करने वाली हो, मैं भी ऐसे करूंगी। चला जा। अब दोनों निकल है, ये देखिए पीछे का व्यू कितना सही आ रहा है, पीछे का व्यू। दोनों निकल है, हम लोग बस गेम खेलने आए थे तो गेम खेला है, अब गेम खेलने के लिए कुछ तो ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा तो इसलिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी, अब जा रहे घर। तो मैं घर आ गई हूँ और आते आते मम्मी को लगी थी भूख तो मैं बना रही हूँ चाय और पकौड़े। तो मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय और पकौड़े, बब्बी खा लेगी क्योंकि हम लोग तो बाहर का खा सकते हैं लेकिन बब्बी नहीं खाती बाहर का, मेरी बब्बी को बाहर का पसंद नहीं है तो इसके लिए बनाना पड़ जाता थोड़ा, तो ठीक है बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत। तो भैया इस रात के बज रहे हैं 11:30 और बस इस व्लॉग को यह करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को लाइक। तब तक के लिए बाय।